रीवा जोन में नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21/1/2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध गांजे की बड़ी खेप मेहर की तरफ से रीवा आ रही है। मुखबिर की निशानदेही पर रात्रि 12:50 बजे बाईपास चोरहटी से ट्रक क्रमांक MP20HB3344 एवं ट्रक के आगे सफेद स्कॉर्पियो क्रमांक MP17CA5835 को रोककर दोनों वाहनों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के ड्राइवर व साथियों से पूछताछ के दौरान डाल के कार्टूनों के बीच में मादक अवैध पदार्थ पाया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके से आरोपी गणवीर सिंह पिता सोनम सिंह निवासी गढ़ा जबलपुर, गुरविंदर सिंह पिता लखवीर सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब, मुकेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता भगवान दास विश्वकर्मा निवासी गढ़ा जबलपुर, मनोज पांडे पिता चंद्रशेखर प्रसाद पांडे निवासी बीड़ा थाना सेमरिया, रामलाल जायसवाल पिता दद्दी प्रसाद जायसवाल निवासी चूना भट्टा थाना रीवा क्रमांक के विरुद्ध थाना चोरहटा में अपराध क्रमांक 46/19 धारा 8/20 25/25 एवं NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी मिलते रहती है कि नशे का कारोबार यहाँ पर अच्छा फैला हुआ है और रीवा के कई लोग इसमें शामिल हैं और ले आके छोटे छोटे पुड़िया बना के इनको आदत डालते हैं और ये कार्रवाई करवाते हैं। तो मैंने ये जानकारी आज दिया है, इसी कल में कल हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसा ऐसा एक कट्ठा वहाँ से लगा हुआ मैयर होते हुए रीवा में बुलाया गया था और इसमें लालमणि जायसवाल और उसका जो भाई है रामलाल, इन लोगों द्वारा एक ट्रक बुलाया गया था और ये बीच रास्ते में ये गाड़ी अपना ले जाके उसको पायलटिंग करते हुए ले आएंगे। यहाँ लोगों के साथ पार्टनर से उसका भी हम लोग अभी जानकारी लेके उसके खिलाफ भी कार्रवाई अभी हम करेंगे विवेचना आगे। तो इस दौर में इसने ये ट्रक से लगातार संपर्क में रहा, ट्रक को यहाँ पर बुलवाया और ट्रक को जब हमने इंटरसेप्ट करके पूछा गया तो पहले इन लोगों ने बोला कि हम लोग डालडा ले आ रहे थे कहीं आंध्र प्रदेश काकीनाडा से, फिर बाद में जब डालडा का पूरा ऊंट पे चढ़ के इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूल लिया था कि सर ये गांजा है और आगे हमारा जो ये गाड़ी जो आपने रोका है उसी गाड़ी में ये लोग हम लोग को यहाँ से पायलटिंग करके ले आए। तो इनसे पूछा गया तो इन लोगों का